कर्नाटका में फिर एक बार टीपू सुल्तान के नाम पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। विधानसभा में कांग्रेस ने कर्नाटका में कुल 4 एयरपोर्ट के नाम बदलने का फैसला लिया है, जिसमें मैसूर एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान एयरपोर्ट रखा जाएगा। 4 एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान रखने के फैसले को सुन बीजेपी विधायक बसन गोड़ा पाटिल यत्नाल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ जहरीला बयान दिया है। यत्नाल ने अपने मुंह से जहर उगलते हुए कहा, टीपू सुल्तान का नाम एयरपोर्ट पर नहीं किसी टॉयलेट पर रखना चाहिए। बसन गोड़ा पाटिल यत्नाल बीजापुर से बीजेपी एमएलए हैं और हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए जाने जाते हैं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ यत्नाल का बयान सुन बेंगलुरु बीबीएमपी एक्स कॉरपोरेटर और एजुकेशन एंड वर्क कमेटी एक्स चेयरमैन इमरान आरिफ पाशा ने यत्नाल को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इमरान आरिफ पाशा ने कहा, यत्नाल का जहन टॉयलेट से भी ज्यादा गंदा है। एक टाइम पर टॉयलेट को साफ किया जा सकता है, लेकिन यत्नाल के जहन को साफ करना नामुमकिन है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की अगर बात की जाए तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। बीजेपी की सोच का अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी हमेशा से 4 बार अंग्रेजों से जंग करने वाले टीपू सुल्तान से नफरत करती है और 4 बार अंग्रेजों को माफीनामा लिखने वाले सावरकर को वीर के नाम से याद करती है। टीपू सुल्तान के खिलाफ दिए गए यत्नाल के भाषण पर इमरान आरिफ पाशा ने कहा, लोग आने वाले 10-15 साल में यत्नाल कौन है ये भूल जाएंगे, लेकिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं जो दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन इनका नाम इतिहास के पन्नों से कोई मिटा नहीं सकता। इमरान आरिफ पाशा ने कहा, यत्नाल और इसकी जैसी सोच रखने वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदावार हैं जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। टीपू सुल्तान आखिरी दम तक अंग्रेजों से जंग कर शहीद हुए थे और लोग इन्हें आज भी पहले मिसाइल मैन और शेर मैसूर के नाम से याद करते हैं। इमरान आरिफ पाशा ने कहा, मैसूर एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान रखने वाले फैसले का ये समर्थन करते हैं और यत्नाल जैसे 1000 लोग और मुखालिफत करने पर भी टीपू सुल्तान के चाहने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। टॉयलेट ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರ ಮನಸು ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ ತುಂಬೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಏನು, ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು, ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಮೈಸೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯತ್ನಾಳ್ ಯಾರು ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಯಾರಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 50,000 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೇನು ಜನ ಹುಲಿ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ನೀವೊಂದು ಜೋಕರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಮನೂರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ಇಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ 24/7 ಅಟ್ ಬಾಲಿ ಹಿಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ.